कैमरा ऑन कर दिया मनोज भाई, कैमरा कब से चालू है? चालू कर दिया। हाँ। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका जितेंद्र मारोटिया चैनल में। और दोस्तों एक बार फिर वापस उसी हिम्मत के साथ में आपका भाई एक लोकेशन पे पहुंच चुका है। मगर दोस्तों कहीं ना कहीं मेरी यूट्यूब फैमिली को ये लग रहा होगा कि यार जितेंद्र भाई आपके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है और आपका अपहरण हुआ है। तो वीडियो में हमने देखा कि यार आपके चोटें लगी हुई थी, तो आज जितेंद्र भाई ने कोई बैंडेज क्यों नहीं लगा रखी है, कोई पट्टी क्यों नहीं बांध रखी है? तो दोस्तों मेरी एक आदत है दोस्तों, जो रियल है वो ही रियल दिखाऊंगा। दोस्तों मेरे ऐसी कोई चोट नहीं थी कि मैं पट्टी बांधूं सर पे या मेरे कोई बैंडेज लगाऊं। अब आपका सवाल है यार फिर वो ब्लड कैसे? तो दोस्तों एक बार बता दूँ, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा, उन्होंने मेरे चेहरे पर पंच मारे, इसी की वजह से मेरे नाक में नक्सीर चली थी उस दिन। मेरे ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं है, मैं थोड़ा सदमे में ज़रूर चला गया था उस समय, मेरे को कोई होश नहीं था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा उन्होंने, बहुत दिन तक मेरे को है ना भूखा रखा है, मेरे को खाना नहीं दिया दोस्तों, मेरे को पानी नहीं पिलाया उन्होंने, बस डिमांड ये करते रहे कि तेरे और जो भी बैग्स है जो तू लेके आया इस जंगल के अंदर वो कहाँ है। मैंने बहुत हाथ जोड़ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करी है कि तुमने मेरे जितने भी सामान थे वो सब ले लिए, मगर वो नहीं माने दोस्तों, उन्होंने मेरे को भूखा प्यासा रखा वहाँ पे। अब यार दोस्तों आपके दिल और दिमाग के अंदर कई बातें ऐसी चल रही है कि यार आपका अपहरण कैसे हुआ। तो दोस्तों एक बार बता दूं, मैं जिस लोकेशन पे मैं गया था, जिस लोकेशन पे मनोज भाई गया था, उस लोकेशन पे रियल बच्चे का गोश्त है, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। और वो जो कब्र थी वो भी रियल कब्र थी। अब बात आती है दोस्तों कि मेरा अपहरण कैसे हुआ। सबसे बड़ा सवाल आपके दिल में ये कि मेरा अपहरण कैसे हुआ। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको, मेरा अपहरण होने के जो भी हाथ था वो केवल लुटेरे का था। उन्होंने जब मैंने आपको वीडियो में बोला कि जब मैं उस बच्चे को दिखा रहा था, उसकी आत्मा दिखा रही थी, तब उस समय एक औरत दिखी थी दोस्तों। वो कोई औरत नहीं थी, कोई गोश्त नहीं था, केवल वो आवाज़ चेंज करके आवाज़ें निकालते थे, वो भेस बदल के लोगों को लूटते थे। मैं उन्हीं के चक्कर में आ गया। उन्होंने मेरे को एक वहाँ पर जब मैं उनके वो मेरे करीब आए तो उन्होंने एक सुई पंच करी थी मेरी यहाँ पर हाथ के ऊपर और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। पता नहीं था दोस्तों उसके बाद में मेरे साथ में क्या हुआ। मेरे बैग छीन लिए, मेरे जूते कहीं खो गए थे, मैं नग्गे पैर था, मुझे पूरा होश है, मेरी कैप जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है वो गायब थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास में दोस्तों। मेरे गैजेट्स जो बैग में थे उन्होंने लूट लिए, अभी तक वो मेरे पास में नहीं है दोस्तों। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ दोस्तों, जैसे आपने मेरे लिए दुआ करी है वैसे ही सबके लिए दुआ करें यार दोस्तों। आज आपकी ये दुआ है वही काम में आई है। अब इसमें सबसे बड़ा सेह किसको जाता है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आज अगर आपका भाई जिंदा है उसका सबसे बड़ा कारण है केपेलिस्ट्री और नया रियल हॉन्टेड। इन्होंने दिन नहीं देखा, इन्होंने रात नहीं देखी, मैंने सारी वीडियो देखी है, कितनी मेहनत करी है इन दोनों लोगों ने। और तीसरा नंबर आता है राधे भैया का, उन्होंने भी मेरे लिए मेहनत करी है। मगर दोस्तों भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं, मनोज ने भूख नहीं देखी, किशन जी ने भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, बेहोश तक हुए थे, मैंने सारी वीडियो देखी यार। मैं उनका दिल से भगवान श्री राम से कहता हूँ कि भगवान उनके दुख सारे दूर कर दे। और इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उनकी मैंने वीडियो वॉच करी है मगर मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास में नहीं है। मैं सभी भाइयों का दिल से सलाम करना चाहता हूँ कि यार आपने मेरे लिए रात दिन एक करके चंदनपुर के इतने खतरनाक जंगल में आपने ये नहीं देखा कि इसमें लुटेरे हैं, इसमें गोश्त है, मगर फिर भी मेरे लिए रात दिन एक करे। मैं सबको हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। अगर जो भी मेरे से बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद देवे यार दोस्तों, आप ही के कारण मैं यहाँ से निकला हूँ, आपकी मेहनत रंग लाई। मनोज और केपेल की एक बात की दाद देना चाहता हूँ दोस्तों, जब उस लोकेशन पर मैं मिला, जब मैंने वीडियो देखी तो वहाँ पर 3 से 4 गुंडे थे, उन्होंने बहुत कस कस के मेरे को गालियाँ बकी थी, बहुत इनको भी गालियाँ बकी थी, मगर दोस्तों टीम उस लोकेशन पे दूसरी भी थी, निर्मल भाई की भी टीम थी उस तरफ। मैं सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली के अंदर क्या है कि कई ऐसा हो जाता है कि कई बार भूल जाते नाम। तो एक निर्मल भाई है अपने, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी रात दिन मनोज भाई के साथ में मेहनत करी है। मनोज भाई का डिसीजन ये था कि आप लोकेशन है ना उस साइड में विजिट करो, ताकि हो सकता है कि उस साइड में आपको जितेंद्र भाई मिल जाए, इसीलिए वो मनोज वाली जो लास्ट वीडियो थी मेरी उसमें नहीं आए थे दोस्तों। शुक्र है
मनोज भाई की हिम्मत के लिए, केपीएल हिस्ट्री की हिम्मत से, जब दो बंदे ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे लुटेरे आदिवासी लुटेरे थे, जिन्होंने मेरे को वहाँ पे बांध के रख रखा था, टॉर्चर कर रहे थे, उस समय दो के होते हुए इन्होंने वो हिम्मत दिखाई जो कोई दूसरा नहीं दिखा सकता। ये चार जनों से भिड़े हैं, उनको भगाया वहाँ से, मैंने देखा है। मैं जितना भी मैं कह रहा हूँ इनका शुक्रिया करूँ वो बहुत 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 कम है। और दोस्तों थोड़ा सा मैं सदमे में था, मेरी फैमिली ने मेरी बहुत सेवा करी है और इसके अंदर मैं दिल से मेरी जो प्यारी ऑडियंस है जिन्होंने, मैंने उनके कमेंट पढ़े, कई लोग ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह से रोए मेरे लिए कि प्लीज़ मनोज भाई, किशन भाई, कैसे भी करके एक बार जितेंद्र भाई को इस जंगल से निकाल लो वापस। और सबसे बड़ा त्यौहार था मेरे लिए दोस्तों, और सभी के लिए एक त्यौहार होता है रक्षाबंधन, तो मैं यार मनोज भाई का फिर शुक्रिया करना चाहता हूँ और कि मेरे को रक्षाबंधन के पहले पहले मेरी जान बचाई इन्होंने। अब दोस्तों ज़्यादा बोलूँगा तो आप कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा बोल रहा है जितेंद्र, जो मेरे साथ में बीता, जिन्होंने मेरी मदद करी उनके बारे में बोल चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों इस लोकेशन पे आपका भाई क्यों है, और कैमरे पे मेरे मनोज जी है आज दोस्तों, इन्होंने वापस हिम्मत दिखाई है इस खतरनाक लोकेशन पे आने की। और खतरनाक क्यों है उसका कारण है दोस्तों, जब मैंने भूतिया बच्चे की चंदनपुर की लोकेशन विजिट करी थी उससे सही 7 दिन पहले से मेरे जो इंस्टा के ऊपर मेरे को फॉलो कर रखा उन्होंने उन्होंने मेरे से संपर्क कर रखा था कि जितेंद्र भाई एक बार हमारे गांव में आओ, यहाँ पे एक ऐसा तालाब है जहाँ पे कई समय पहले तक, महीने भर पहले तक, मतलब ये कंडीशन थी कि लोग वहाँ पे नहाते भी थे, करते भी थे, मगर महीने भर से ऐसा हो रखा है वहाँ पे कि यार कोई चुड़ैल है या कोई इंसान है या कोई हैवान है या क्या चीज़ है वहाँ उनको दिखता है। और दोस्तों कहते हैं कि जब से वो दिखने लगा है उसका जो पानी है वो इतना गंदा हो चुका है, इतना जहरीला हो चुका है कि कई जानवर उसके चपेट में आ चुके हैं और रोज आए दिन मतलब वहाँ पे जानवरों की मौत हो रही है। तो यार दोस्तों बताते हैं कि वो इसी पानी के पास में दिखती है। और एक ताज्जुब की बात बताऊँ दोस्तों, जब ये लोकेशन पे आ रहे थे तो हमें भी ऐसा लगा कि कोई यहाँ से गुजरा है, बस विडम्बना इस बात की है दोस्तों, कैमरा मेरा ऑफ था और वहाँ से हम निकले, फिर मैंने कहा कोई ना कोई तो गया यहाँ पे। और लोकेशन बताऊँ दोस्तों उसी तालाब की तरफ, वो तालाब पे हम विजिट कर चुके हैं शाम को ही, उसी तालाब की तरफ गया था अब से सही आधे घंटे पहले। वो मैं उसी लोकेशन पे आज जाना चाहता हूँ। और जो मेरे इंस्टा के ऊपर फॉलो कर रखा है उन्होंने एक बात बोली कि यार जितेंद्र भाई आप लोकेशन जरूर विजिट करो, वजह का पता लगाओ कि वो क्या चीज़ है, मगर हमारे गाँव की बदनामी नहीं होनी चाहिए, हमारे गाँव के आसपास के लोगों को पता लगेगा कि तुम्हारे गाँव में ऐसा है तो यार दोस्तों कोई हमारे गाँव में नहीं आएगा। तो यार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जितेंद्र भाई, इस लोकेशन को आप अपने YouTube चैनल के ऊपर नाम मत बताना। तो यार माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे, इस लोकेशन का मैं आपको नाम नहीं बता सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ कि बहुत खतरनाक जंगल है ये भी दोस्तों। बस अब मैं ज़्यादा आपका भी टाइम ख़राब नहीं करूँगा, एक बार तहे दिल से मेरी प्यारी ऑडियंस की मैं वापस, जो मेरे से बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरी प्यारी बहनें जो मेरे से बड़ी है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड लोग हैं, जो मुझे चाहते हैं उनको दिल से एक बार शुक्रिया जितेंद्र भाई, एक बार केवल आपकी दुआ। और मनोज, केपीएल स्त्री, राधे भैया और नया रियल हॉन्टेड, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, निर्मल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, कई ऐसे यूट्यूबर हैं उनका वापस शुक्रिया, दिल से हाथ जोड़ के मैं उनको कहता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोग ऐसे भी यार दोस्तों जिन्होंने अपनी वीडियो शूट करनी चाहिए केवल उन्होंने मेरी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझा। मैं इतना ही कहता हूँ कि दोस्तों जितेंद्र भाई उसका दिल से शुक्रिया करना चाहता फिर भी कि कम से कम अपने वर्क को तो कम से कम वो काम कर रहे थे, अपना वर्क तो कर रहे थे कम से कम वो, ठीक है जितेंद्र भाई के चाहने वाले बहुत है, 1,70,000 के ऊपर की मेरी सब्सक्राइबर जो मेरे फॉलोवर है वो आज मेरे बहुत अच्छे, मेरे साथ में मेरे मनोज भाई है जो लोकेशन करीब करीब साथ में विजिट करते हैं, किशन जी साथ साथ विजिट करते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों, समय ज़्यादा लगेगा मुझे पता है, लोकेशन भी पास में ही है, दूर नहीं है, और टाइम मैं चाहता हूँ कि वही टाइम हो जो अभिषेक जी ने मुझे बताई थी उसी समय मैं उधर जाऊँगा। दोस्तों कई बातें ऐसी दिल में हैं जो मैं भूल भी जाता हूँ बोलना, और हिम्मत बहुत है दोस्तों, रिकवरी कर ली है मैंने, कोई मेरे कमजोरी नहीं है बॉडी के अंदर, मेरे में वही हिम्मत है, वही लोकेशन में वापस विजिट कर सकता हूँ क्योंकि आपकी जो दुआएं हैं उसके कारण। फिर कहता हूँ दोस्तों, कोई पट्टी नहीं है, कोई बैंडेज नहीं है, कोई घाव नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं पट्टी बांध के आ जाऊँ, बैंडेज लगा के आ जाऊँ, आपको गुमराह करूँ, क्योंकि
आपका साथ मेरे साथ में, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता हूँ दोस्तों। भगवान करे किसी के साथ में भी जो मेरे साथ में हुआ वो नहीं हो, बस इतना ही कहता हूँ। मनोज भाई एक बार कैमरा उधर घुमाना। कुछ आवाज आई ना? हल्की सी आई तो थी, है ना? हाँ। बस यार दोस्तों सीधा लोकेशन विजिट करते हैं और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे हमारे तीनों भाइयों पे, चारों भाइयों पे, केपीएल पे भी बराबर बना रहे, मेरे पे भी बना रहे और नया रियल हॉन्टेड मनोज के ऊपर भी बना रहे, आपका आशीर्वाद। अरे यार दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ कि जो चैनल पर मेरे नए, जो इनके चैनल पर नए हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी जो प्यार है उसी से हमारे को ताकत मिलती है, उसी ताकत से, उसी प्यार से मैं निकला हूँ उस ऐसी कंडीशन से। तो चलते हैं भाई। भाई फिर आइए कोई आवाज़। हाँ यार इधर चले। हाँ सीधे उधर सामने से भी आई थी कुछ आवाज़। हाँ लाओ। मनोज भाई मनोज भाई जल्दी आओ। है आराम से आराम से। मनोज भाई बहुत तेज आवाज है ये, कसम खा के बोल रहा हूँ। मनोज भाई ये वही है ना तालाब वाला रास्ता ही? हाँ है ना। हाँ आ जाओ। दोस्तों अभिषेक जी ने जो मेरे को लोकेशन बताई उसी लोकेशन पे, उसी तालाब के पास में हम पहुंच चुके हैं। बताते हैं जो भी जानवर है इसका पानी पीता है उसकी डेथ हो जाती है। आओ दोस्तों ये बहुत बड़ा तालाब है, उधर पीछे की साइड तक गया हुआ है। इस तालाब पे दोस्तों अक्सर भूत चुड़ैल हैवान क्या है मुझे पता नहीं है, गांव वाले बोलते हैं यहाँ पे वो आता है या वो आती है, उसके बाद में वो जंगल की तरफ चले जाती है। बताते हैं कि कई जानवरों की आए दिन मौत हो रही है इस पानी के अलावा, इस तालाब के आसपास के अलावा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका हाथ हो सकता है। तो आज देखते हैं इस जंगल में और उस जंगल की तरफ चलेंगे दोस्तों। चलाओ मनोज भाई। हाँ इधर ना देखो एक जानवर, ये देखो गाय मरी हुई, देखो ये देखो भाई ये कोई अलग लग रहा है यार। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे या कोई फ्रेब नहीं करा, ये सामने एक गाय देख लो आप, ये यहीं पे पानी पी के यहीं पे मौत हुई है इसकी। ये पानी पूरा जहरीला हो चुका है दोस्तों कंप्लीट, और आप मक्खियों की बिनबिनाने की जो आवाज़ है वो भी सुन सकते हो, कितने मक्खियाँ और यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों गाँव वाले ये बताते हैं कि जब चलते हैं जंगल की साइड में तो कई लाशें मिलती है जानवरों की, तो आज हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वो लाशें हमें भी दिखती है क्या जानवरों की, और वो जो चीज़ दिखती है वो हमें दिखती है क्या। मनोज भाई चलो आ जाओ। मनोज भाई हाँ इधर